नारायण नारायण। हे प्रभु, आज संपूर्ण धरती पाप मुक्त हो गई। मानवता और धर्म के माथे से कंस नामक कलंक सदा सदा के लिए मिट गया है। मुझे तो पृथ्वीवासियों को धर्म की बधाई और कोटि कोटि शुभकामनाएं देने का मन कर रहा है प्रभु। नारायण नारायण, क्या हुआ प्रभु? आपके मुखमंडल को देखकर ऐसा आभास हो रहा है कि आपके मन में कुछ और चल रहा है। आपको तो अति प्रसन्न होना चाहिए प्रभु, क्योंकि इस संसार में और आप ही के मनुष्यों के जीवन में सुख ही सुख बरस रहा है। दुख का कोई चिन्ह भी नहीं है प्रभु। देव ऋषि, यही तो मानव जीवन की विडंबना है कि एक क्षण सुख का होता है तो दूसरा क्षण दुख का। यदि जीवन में केवल सुख ही सुख हो तो जीवन और सुख दोनों ही अर्थहीन हो जाएंगे। सुख का आधार ही दुख है। यदि दुख का आभास ना किया जाए तो सुख की अनुभूति असंभव है देव ऋषि। नारायण नारायण, प्रभु आपकी बातें सुनकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अभी संसार से संकट पूर्ण रूप से टला नहीं। देव ऋषि, मैं किसी संकट की बात नहीं कर रहा हूँ। नारायण नारायण, मैं क्षमा चाहता हूँ प्रभु, किंतु मैं आपकी बातों को नहीं समझ पा रहा। मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ कि कंसवध काना के जीवन में एक सूक्ष्म पड़ाव भर है। अभी तो अनेक यात्राएं शेष हैं देव ऋषि। नारायण नारायण, सत्य वचन प्रभु, सत्य वचन। अल्लाह, तुझे अपने पुत्र के रूप में पाकर मैं धन्य हो गई। जन्मों जन्मांतर की सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई, अब कुछ भी शेष नहीं। मैया बाबा, मैंने कुछ नहीं किया, वो तो आपकी ममता और विश्वास ने मुझे करवा दिया। अन्यथा मुझ में इतनी शक्ति कहाँ है माता? ये तो आपका कवच था जो मुझे हर संकट से बचाता रहा, और मैं आपकी प्रतिज्ञा को पूरी कर पाया। मैंने इस युद्ध को केवल 3 शस्त्रों से जीता है माता, और वो तीनों ही अमोघ अस्त्र है। कौन से 3 शस्त्र काना? पहला आपका और माता का धैर्य, दूसरा माता का अटल विश्वास, और तीसरा माता की ममता। कान्हा, अवश्य पिछले जन्म में हमने कोई पुण्य का कर्म किया होगा कि तेरे जैसा फल हमें मिला। तुमने सब कुछ स्वयं किया, सारा संसार उसका साक्षी है, लेकिन उसका श्रेय तूने अपने माता पिता को दिया, जिन्होंने तेरी विजय में तेरा कोई योगदान नहीं दिया। बाबा, कछुआ अपने अंडों और बच्चों को कोसों दूर से पालता है, आप लोगों ने वही किया है। और हाँ बाबा, कोई भी संतान बिना अपने माता पिता के आशीर्वाद से कोई भी युद्ध नहीं जीत सकता। मैया बाबा, अब आपका यहाँ से चलने का समय आ गया है। कंस के अंत के साथ अब आपकी प्रतिज्ञा भी पूरी हो गई है, अब चलिए मैया। कान्हा, मेरी एक प्रतिज्ञा अभी शेष। आप कहिए माता, मैं उसे भी पूर्ण कर दूंगा। कौन सी प्रतिज्ञा शेष है देवकी? मैंने कंस से कहा था कि मैं तेरा अंतिम संस्कार अपने पुत्र से करवाऊंगी। कान्हा, तुझे अपने मामा का अंतिम संस्कार करके मेरी इस प्रतिज्ञा को पूर्ण करना होगा। मैया, आपकी इच्छा पूर्ण करना मेरा धर्म है, और कंस का अंतिम संस्कार करना मेरा कर्तव्य है। वचन देता हूँ मैं आपको कि मैं आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। चलिए मैया, चलिए बाबा।
असुर अधर्मी पापी कंस था, ब्रज मंडल का विश्व भरा दंश था। कृष्ण ने उसका अंत किया है, धर्म ध्वजा जीवंत किया है। धन्य हुआ कंस मृत्यु पाकर, प्रभु करे अंतिम संस्कार जाकर। प्रभु ही मारे प्रभु ही तारे, प्रभु ही मारे प्रभु ही तारे। हर प्राणी को प्रभु ही उबारे। कहाँ मुझे लगता है तुम्हें शीघ्र जाना चाहिए। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। प्रणाम ऋषिवा। यमदेव आप यहाँ इस रूप में। प्रणाम प्रभु। यहाँ अचानक पधारने का कारण यमदेव। प्रभु एक भारी संकट आन खड़ा हुआ है। सृष्टि के विधान में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है। कैसा संकट यमदेव? प्रभु कंस की मृत्यु हो चुकी है, परंतु उसकी आत्मा अभी तक मृत्यु लोक से यमलोक नहीं पहुंची। क्या आपके दूत उसे लेकर यमलोक नहीं गए? प्रभु मेरे दूत आए अवश्य थे, परंतु इस संसार में कंस की आत्मा उन्हें कहीं भी नहीं मिली है। आत्मा नहीं मिली तो आत्मा गई कहाँ? प्रभु यही संकट है, इसीलिए तो मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। यही पूछने के लिए कि कहीं आपने तो कंस का उद्धार करके उसे अपने श्री चरणों में स्थान तो नहीं दे दिया। नहीं यमदेव, मैंने ऐसा सोचा तो था कि कंस का उद्धार कर उसे अपनी शरणों में ले लूं। कंस अपने पापों को स्वीकार कर लो, मैं तुझे अपनी शरण में लेने को तैयार हूँ। कंस तू मुझे कभी नहीं मार सकता। तू जितनी बार मुझे मारेगा उतनी बार उससे अधिक बलशाली बनकर आऊंगा। उसने ना अपने अधर्मों को स्वीकार किया और न ही अपने कुकर्मों के लिए क्षमा मांगी, इसलिए उसके पाप वैसे के वैसे ही हैं। तब उसकी आत्मा गई कहाँ प्रभु? यदि कंस की आत्मा नहीं मिली प्रभु, तो संसार में जीवन मृत्यु के लेखा जोखा में भारी असंतुलन आ जाएगा। यमदेव इसका अर्थ है कि कंस ने अपनी मृत्यु से पूर्व अपने दूसरे जन्म की कोई गुप्त योजना बना रखी थी। इस घटना से मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि हमने केवल कंस को मारा है, अभी महाकंस का अंत करना शेष है। और इस प्रकार परमावतार श्री कृष्ण ने कंस का वध करके संसार को अधर्म से मुक्ति दिलाई। आपके कृष्ण अवतार की लीलाओं का एक अध्याय पूर्ण हो गया। गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव प्रभु आप यहाँ अचानक? हाँ गुरुदेव, आज बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है, उसी के विषय में मैं आपसे बात करने आया हूँ। कंस वध के पश्चात कैसा अनर्थ प्रभु? मेरे हाथों कंस का वध अवश्य हुआ है गुरुदेव, परंतु अभी तक उसकी आत्मा यमलोक नहीं पहुँची है। ना जाने वो कहाँ चली गई, कहाँ लुप्त हो गई। ये कैसे संभव है प्रभु? जीवन मृत्यु के पश्चात आत्मा का अन्य कोई पड़ाव है ही नहीं। जानता हूँ, परंतु ऐसा हुआ गुरुदेव, ये बात मुझे स्वयं यमदेव ने बताई है। प्रभु यदि ऐसा हुआ है तो ये किसी आने वाले बड़े अनिष्ट का संकेत है। परंतु ये हुआ कैसे होगा? प्रभु अवश्य ही कंस ने अपने वध से पूर्व कोई योजना बनाई होगी। ऐसी क्या योजना हो सकती है जो यमदेव और उनके दूतों को भी
उनके कार्य में विफल कर दे। प्रभु, अपने दिव्य ज्ञान से मुझे इसके कारण का पता लगाना होगा। के बीच हुए हमारे युद्ध को भूले नहीं होगे। उस युद्ध में मेरी पराजय मुझे याद है भगवान, और मुझे यह भी याद है कि आपने मुझे जीवन दान दिया था, और उसी के फलस्वरूप आज मैं आपके सामने जीवित खड़ा हूं। और जीवन दान के बदले तुमने मुझे एक वचन दिया था, स्मरण है? भली भांति स्मरण है प्रभु। तो आज उस वचन को निभाने का समय आ गया है कोलदत्त। मैं अपने वचन को अवश्य पूरा करूंगा। कहिए क्या आज्ञा है मेरे? यमराज के बाद एक तुम ही हो जिसके पास किसी भी आत्मा को सुरक्षित रखने की शक्ति है, इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरी मृत्यु के पश्चात मेरी आत्मा को तुम सुरक्षित रखो। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं भगवान? कल विष्णु के परम अवतार श्री कृष्ण के साथ मेरा मल्ल युद्ध है, ऐसे तो उसी की मृत्यु होगी, किंतु किसी कारणवश यदि मेरा शरीर खंडित हो जाता है तो तुम्हें मेरी आत्मा को उन यमदूतों से बचाकर सुरक्षित रखना होगा। जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा भगवान, परंतु आपकी आत्मा को सुरक्षित रखने के पश्चात मुझे क्या करना होगा भगवान? कल्याण हो। आपने क्या देखा गुरुदेव? प्रभु, मैंने जो देखा वह अत्यंत आश्चर्यजनक घटना है। कंस ने अपनी मृत्यु से पहले ही अपनी आत्मा को सुरक्षित कर लिया था। कैसे, कहाँ और किसके पास? कोलदैत्य नामक असुर के पास। कंस की आत्मा को उसने ही अपने अधिकार में रखा है। परंतु ऐसा कैसे संभव है गुरुदेव कि कोई अपनी मृत्यु से पहले ही अपनी आत्मा को किसी के संरक्षण में दे दे? संभव है प्रभु। यदि संभव है तो ये घटना किस क्षण घटित हुई है गुरुदेव? मल्लयुद्ध में जब आपने कंस पर अंतिम प्रहार किया था, ये घटना उसी क्षण घटित हुई थी प्रभु। अनहोनी से होने वाले इस विनाश से बचने का केवल एक ही मार्ग है। क्या गुरुजी? कि कंस की आत्मा को किसी भी प्रकार इस संसार से मुक्ति दिलाकर यमलोक भेज दिया जाए। परंतु ये संभव कैसे होगा गुरुजी? हमें तो ये भी नहीं पता कि कोलदैत्य कंस की आत्मा को लेकर गया कहाँ। रक्षा कीजिए गुरुदेव, गुरुदेव रक्षा कीजिए, गुरुदेव रक्षा कीजिए। क्या हुआ ऋषिगण, आपकी दशा किसने की? कोलदैत्य नामक असुर ने गुरुदेव। गुरुदेव, उसने एक सहस्त्र ऋषियों का अपहरण कर लिया गुरुदेव। बंद करो ये यज्ञ, अब तुम्हारे मोक्ष का समय आ गया है ऋषियों। कौन हो तुम, हमारे यज्ञ में बाधा क्यों डाल रहे हो? मैं काल का विकाल
कौल दैत्य है मेरा नाम। ऋषियों, मुझे तुम सबका पवित्र रक्त चाहिए। हमारा पवित्र रक्त? नहीं नहीं, ये तुम क्या कह रहे हो? ऋषियों, तुम सबको हमारे साथ चलना होगा। रक्षा करो प्रभु, प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो, प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। पुकारो पुकारो अपने ईश्वर को, देखता हूँ आज तुम्हें मुझसे कौन बचाता है। गुरुदेव, उसने ऋषियों का अपहरण किसने किया होगा? वो सबसे बड़ा अघोर अनुष्ठान कर रहा है प्रभु, और इसलिए वो ऋषियों का लहू एकत्रित कर रहा है प्रभु। रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए, हमारी प्राण बचाइए प्रभु, मुक्ति दीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए प्रभु। हमें मुक्ति दीजिए प्रभु, हमें मुक्ति दीजिए। ऋषियों, परसों के तप का प्रसाद है तुम्हारा ये शुद्ध रक्त, जो मेरे उस महान अनुष्ठान के कार्य में उपयोग होगा, जिसके लिए मैंने भगवान कंस की आत्मा को सुरक्षित रखा है, सुरक्षित। मुक्ति दो भगवान, मुक्ति दो। हे प्रभु, सासुर से बचाइए प्रभु। विष्णु, सावधान, क्योंकि अब होगा इस पृथ्वी पर प्रलय, अब होगा महाकंस का जन्म। गुरुदेव, हम सभी अपना जीवन किसी प्रकार बचाकर यहाँ आ गए हैं। आपसे विनती है प्रभु, उस असुर को कैसे भी रोकिए, अन्यथा बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा प्रभु। भगवान कंस, आपकी विधि अनुसार मैंने सहस्त्र ऋषियों का रक्त एकत्रित कर लिया है, और अब मैं इस पवित्र रक्त से अनुष्ठान कर आपके नए अवतार को जन्म दूंगा, जो कंस से किसी भी प्रकार अधिक शक्तिशाली होगा, जिसका सामना कोई भी नहीं कर पाएगा, कोई भी नहीं, यहां तक कि वो छलिया विष्णु भी नहीं, और वो इस संसार में महाकंस के नाम से जाना जाएगा। मेरे विचार से कोल दैत्य की एक क्रिया कंस के बताई हुई योजना को सफल करने का प्रयास है। तुम्हें इसे रोकना होगा, अन्यथा विनाश की इस प्रलय को रोकना असंभव हो जाएगा।